तुझे पता आज क्या हुआ है मेरे साथ? तेरे लौंडे ने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। उसके ससुराल वालों ने बहुत बेइज्जती की यार मेरी। उसकी वो सास, क्या नाम है उसका, टीटी, आज उसने मेरी परवरिश पे सवाल उठाया। से पूछती कि मेरे माँ बाप कौन है। सबको बहुत मजा आता है ना ये जानने में कि मेरा बचपन कैसा बीता होगा। कितनी बार सुनाओ तुम सबको, तू बहुत फैमिली और परिवार टाइप की बातें करती है ना। क्या कहती थी, सब एक है, सब अपना लेंगे मुझे। पता है क्या किया तेरे बेटे ने? सब मुझे सुना रहे थे, फिर वही उल्लू की तरह मुझे देखता रहा, कुछ नहीं कहा उसने, कुछ भी नहीं। अगर मैं चाहती ना इसलिए खोल सकती थी। बता सकती थी सबको कौन है मेरे माँ बाप और कौन है उसके। 2 मिनट में बात लग जाती है उसकी, लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया कि मैं उसकी जिंदगी नहीं खराब करना चाहती। तो तू कहाँ समझेगी, लाडला बेटा जो है वो। जब जाने तो जो हुआ सो हुआ। क्या जो हुआ सो हुआ? एक बात बताऊं, तुझे दिखता क्या है उसमें? क्या क्या उसने तेरे लिए? ससुराल वालों का सगा हो गया वो, उसका चोरों का गुलाम, वो उसकी बीवी, तेरी बहू। उसका बस चले ना मुझे काले पानी की सजा करवा दे। वो आखिरी टाइम तक नहीं मान रही थी, कहती रही कि इसे जेल भेजो, करवाओ इसको सजा। लेकिन बात बोलूं, लेकिन जब मैं तुझे देखती हूँ ना मुझे हल्का सा दर्द होता है। मैं ये सोचती हूँ कितनी बदनसीब औरत है तू, बचपन में मुझे छोड़ गई पैसे शान और शौकत के लिए। क्या मिला तुझे? एक बेटा और पति जो तेरी बात भी नहीं सुनते। खाना खा लो बेटा, भूख नहीं है मुझे, पेट भर गया मुझे तेरे बेटे के ससुराल। तुम्हारे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मैं सुनना चाहता हूँ? बताओ क्या हुआ, पैसे चाहिए। सारे रख लो। लो भाई रखो, सारे रख लो। अब कहो क्या जानते हो? क्या है इसमें? तो कुछ खास है नहीं उसके बारे में। यही है जो है। तुम्हें इस पुणे वाले एड्रेस से राजवीर के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। पैसा वापस नहीं मिलेगा आपको, इससे तुम्हारा काम हो सकता है, बस थोड़ी सी अकल दो। अभी जाओ, इधर से कोई देख लेगा। मिसेस खुराना, मैं आपसे अकेले में बात कर सकती हूँ? सब ठीक तो है ना? वो एक्चुअली शी इज प्रेग्नेंट। Are you sure? Absolutely sure. बस शुरू के कुछ महीने में आप इनका खास ध्यान रखिएगा। मैं छोड़ने चलती हूँ आपको। It's okay. मैं चली जाऊंगी। देखा आपने, यही देखना बाकी था। कृतिका, ये तुमने क्या कर दिया? कुछ अंदाजा भी है तुम्हें? आप रोने से क्या फायदा सिमी जी? जब मैं आपको मना करता था तब आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब देखिए कहां से कहां लेकर आ गई ये लड़की हमको। बस यार, यार रोना धोना लगा रखा है, नौटंकी हो गई यार। इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है तुम दोनों को। ठीक है, मैं हो गई हूं प्रेग्नेंट, तो आई लव हिम, उससे प्यार करती हूँ, और गलती अगर हमने करी है तो हम संभाल लेंगे उसको। और यार तुम लोग इतना मातम क्यों बना रहे हो? ये तो खुशी की बात है ना, तुम दोनों नाना नानी बनने वाले हो। बच्चे के डैड को तो फोन करके खुशखबरी दूं। अपनी बकवास बंद कर, हमसे बात कर। तेरे माँ बाप हम हैं, पहले हमें उस लड़के से मिलवा। क्या गारंटी है इस बात की कि वो तेरी जिम्मेदारी उठाएगा? बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मैं ऐसे आवारा लड़कों को। ओ हेलो, ना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, तुझसे ज्यादा तेज चिल्ला सकती हूँ मैं। और मेरी लाइफ में ना इंटरफेयर मत कर। गारंटी की बात कर रहा है? टीवी फ्रिज खरीदने जा रहा है क्या, जो गारंटी चाहिए? और वैसे भी मैं तुझसे बात क्यों करूं? तो लगता क्या है मेरा? और वैसे भी मुझे जो बोलना होगा मैं अपनी मॉम को बोलूंगी। अरे माँ, तो रो क्यों रही है? सिर्फ प्रेग्नेंट हुई हूँ, मेरी जिंदगी नहीं खत्म हो गई। तो शादी से पहले तुम इस बच्चे को पैदा करोगी, हैं? जन्म दोगी इसे? क्या कहोगी दुनिया से? कैसे पालोगी उसे? या अपनी माँ के कंधे पर डालोगी, जिसे मौका मिलते ही अपना मतलब पढ़ने पर तुम माँ बना लेती है? वरना उसकी बेइज्जती करने से बाज नहीं आती तुम। ए कृतिका प्लीज प्लीज शांत हो जाओ। और राज जी प्लीज आप भी चुप हो जाइए प्लीज। करेक्ट, ठीक बोल रही हैं आप, मुझे ही चुप हो जाना चाहिए। करेक्ट बोल रही हैं आप, गलती मेरी है कि जो कुछ भी हो रहा है इस घर में मेरी वजह से हो रहा है। आपकी बेटी गलतियां करती रहती है और आप उसे संभालती रहती हैं। आज मैं आपको एक बात के लिए आगाह कर रहा हूं। जिस दिन ये लड़का इस घर में आएगा ना, वो दिन इस घर के लिए अच्छा नहीं होगा। और आप इस लड़की की गलतियों को सुलझाने के चक्कर में खुद इतना उलझ जाएंगी कि सारे घर की खुशियों को तहस नहस कर देंगी। मैं आपको बता रहा हूं। बाकी आपकी मर्जी है, जो चाहे वो कीजिए। मैं जब तक उस लड़की से नहीं मिल लेती मैं कोई फैसला नहीं करूंगी। रोशनी, अभी नाराज है मुझसे? देखो रोशनी, मैं जानता हूं कि तुम्हें लगता है कि मैंने जो कुछ भी किया वो गलत था। मैं जानता हूँ कि तुम्हें लगता है कि मुझे उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहिए था, लेकिन रोशनी मेरा यकीन करो, जो कुछ भी मैंने किया है ना वही सही है। सिद्धार्थ, जो चीजें तुम्हें सही लगती हैं जरूरी नहीं है मुझे भी सही लगे। मुझे नहीं लगता उस लड़की को इतनी आसानी से छोड़ देना चाहिए था। और कल रात तक तो तुम्हें भी ऐसे ही लगता था ना, तो रातों रात अचानक ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारे दिल में उसके लिए इतनी दया जाग गई? सिद्धार्थ, उसकी शक्ल पे क्लियरली लिखा था कि उसे कोई परवाह नहीं है, फॉर्मेलिटी के लिए कर रही है सब कुछ। सॉरी भी तुम्हारे कहने पे बोला उसने। मैं जानता हूँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन फिर भी रोशनी, ये सब कुछ अपनी जगह है। सोचो, अगर हमने उसे जेल में डाल दिया होता तो उसके परिवार पे क्या बीतती। परिवार मतलब अगर फटका का परिवार नहीं है तो उसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ सिद्धार्थ, लिसन, उसका परिवार है, मैं हूं उसका परिवार। और अब सोच के देखो कि मेरे दिल पे क्या बीत रही होगी। और जिस लड़की के परिवार के बारे में तुम बात कर रहे हो ना, वो किस परिवार से है, कौन लोग हैं वो, उनकी बेटी ऐसी कैसे बन गई? क्या ये सवाल खुद जवाब नहीं दे रहे कि वो परिवार खुद कैसा होगा? मैं क्या कहूँ रोशनी, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो आई एम रियली वेरी सॉरी। आई एम सॉरी कि मैं तुम्हारी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पा रहा हूँ। सिद्धार्थ, गलत समझ रहे हो सिद्धार्थ, बात खरा उतरने की नहीं है। पर एक पति पत्नी के बीच में हमेशा ऐसा भी तो नहीं होगा ना कि वो दोनों एक दूसरे के साथ अग्री करे रहे। मैं गुस्सा थी सिद्धार्थ, तुमसे नहीं कहती तो किससे कहती। पर अभी मैं ठीक हूं, तुम प्लीज सैड मत हो, जो हुआ उसे जाने दो। एंड थैंक गॉड अभी फटका ठीक है। तो फिर हम किसी बाहर वाले की वजह से अपना क्यों मूड ऑफ कर रहे हैं? प्लीज जाने दो और तुम अभी फ्रेश हो जाओ, मैं डिनर की तैयारी करती हूँ। क्या चल रहा है यार, कैसे ठीक होगा सब कुछ? कभी ना कभी तो रोशनी को पता चलेगा कि कृतिका उसकी ननद है, फिर क्या होगा? ऊपर से ये राजवीर की टेंशन, सब कुछ एक साथ कैसे संभालूं मैं? कैसे बचाऊं अपने परिवार की खुशियों को बिखरने से, कैसे? Good morning, ladies. Shalvi. Good morning. क्या हुआ, ऐसे घूर क्यों रही हैं आप मुझे? अच्छा चलो ठीक है, मैं मानती हूँ मैं पहली बार सर्व कर रही हूँ आप लोगों को। परवाह है मुझे आप लोग, कल से कुछ खाया ही नहीं आप लोगों ने। चिंता है ना, तो फिर घर में जो हो रहा है ना उसे ठीक करिए। रोशनी हमेशा सैम के पीछे पड़ी रहती, हमेशा उसे नीचा दिखाती रहती। और रोशनी तो क्या, अब तो सिड भी, सिड तो राजवीर की हिस्ट्री जानने के लिए ऐसे पीछे पड़ा हुआ है जैसे कि वो इस घर का जमाई है ही नहीं, किसी रास्ते का ना गुंडा हो। क्या ये ठीक है दीदी? नहीं, ठीक बात नहीं है। और मैं सिद्धार्थ से जरूर बात करूंगी। मोना दीदी देखिए, जो हो गया सो हो गया, पुरानी बातें भूल जाइए ना उन्हें। मैं सब बच्चों से बात करूंगी और ये मैटर जरूर रिजॉल्व होगा, आई प्रॉमिस। कितने दिनों के बाद तो हम सब एक साथ आए हैं और फिर भी केसर हमारे साथ नहीं है। मैं जानती हूँ एक दिन कुछ बड़ा करेगा, लेकिन बहुत बुरा लगता है जब वो मेरे साथ नहीं होता। मैं अपनी फैमिली को और टूटते हुए नहीं देख सकती, इतने सालों तक देख लिया ना बस। मोना दीदी हम हमेशा एक छत के नीचे रहे हैं, लेकिन एक परिवार की तरह नहीं। इसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ रहिए। इस परिवार को बांधने में मेरी मदद कीजिए ना। सिमी, इतनी सुबह सुबह आप लोग कहाँ गए थे? राज जी, मैं उस लड़के से मिलने गई थी जिसे कृतिका प्यार करती है। बहुत अच्छा लड़का है वो, आप भी उससे मिलते ना तो बहुत अच्छा लगता आपको। मैं तो सरप्राइज ही हो गई उससे मिलके। पता है जब मैंने उसे कृतिका के बारे में बताया ना, उसने झट से उसे एंगेजमेंट रिंग पहना दी। फिर बाद में मुझे बच्चों ने बताया कि उन्होंने तो ऑलरेडी शादी करने का मन बना लिया था। मतलब आपने एंगेजमेंट? हाँ राज जी, तुम्हें और क्या करती। पहली बार कृतिका को इतना खुश देखा है, कोई तो है जिसको उसने अपनाया है। और आपको पता है अगर आप उस लड़के से मिलते ना तो झट से उसके हाथ में शगुन थमा देते, जैसे मैंने किया। और एक बात और, उसकी ये दूसरी शादी होगी, उसने खुद मुझे बताया। What? लड़का शादीशुदा है? अच्छा बताइए, आपने भी तो ऐसी लड़की से शादी की थी ना जिसकी ऑलरेडी शादी हो गई थी। क्या राज जी, नहीं बनी होगी ना उसकी पहली शादी, तो क्या हो गया। और वैसे भी अपनी लड़की दे रही हूं मैं, तो सोच समझकर ही फैसला किया होगा ना मैंने। ठीक है, जब आपने ये फैसला कर ही लिया है तो फिर मुझे बताने की या मुझसे पूछने की क्या जरूरत थी सिमी जी। इट्स फाइन राज जी, मेरे डिसीजन में आप मेरे साथ नहीं हैं। अपनी बेटी की खुशी के लिए मुझे सब कुछ मंजूर है। आपके और सिद्ध के खिलाफ जाना पड़े, देखते हैं। मैं अपनी बेटी की शादी खुद मैनेज करूंगा। लगता है यही वो एड्रेस है जो राजवीर की फाइल में मिला था मुझे। आई होप कि यहां से कोई सुराग मिल सके। जी कहिए। जी नमस्कार। नमस्ते। मैं सिद्धार्थ हूँ, सिद्धार्थ कुकरेजा। काम क्या है आपको? जी वो मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी, एक इंसान के बारे में जो यहीं रहता था आपके साथ, राजवीर। मुझे राजवीर के बारे में आपसे जरूरी बात करनी है। एक्सक्यूज मी। देखिए प्लीज प्लीज अंकल आंटी प्लीज ऐसे मत कीजिए, मेरी बात सुनिए प्लीज प्लीज प्लीज। देखिए मेरे परिवार पे एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और आप लोगों के अलावा कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। मैं बहुत उम्मीद लेके आप लोगों के पास आया हूँ, प्लीज़ मुझे निराश मत कीजिए।